विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ये बात क्यों कही है रोहित शर्मा ने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना भी कि विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्या है इसका बाकी का अंग, क्यों कहा ऐसा रोहित शर्मा ने वहां पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो कहा है यहां पे रोहित शर्मा ने, विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, कभी भी आधा भाग देखिए उसे पूरा मत समझिए, पूरा मत गैस कीजिए, मानिए उसी को जो आपने खुद देखा हो, खुद सुना हो। जब आपको बताते हैं सच क्या है इस क्लिप का जो वायरल हो रही है, जहां पर रोहित शर्मा ने कहा है कि विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आईपीएल 2022 विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों के लिए बहुत खराब जा रहा है, जबकि विराट कोहली की फॉर्म सिर्फ इस आईपीएल में ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दौरों में भी हमने देखा है अच्छी नहीं जा रही है। जहां 2019 के बाद से लेकर आज तक विराट कोहली के बल्ले से अभी तक कोई भी पर्याप्त सेंचुरी नहीं आई है, और उस सेंचुरी का भारतीय फैंस, कोहली फैंस सभी को बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच काफ़ी पिछले महीनों से जब से रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है भारतीय क्रिकेट टीम का, काफ़ी आलोचना हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बार टारगेट किया जाता है रोहित शर्मा को, ये कहते हुए कि विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, उसके ऊपर आप कितने चिंतित हैं, मैनेजमेंट कितनी चिंतित है, जिसके ऊपर प्रेस कार्यकर्ताओं को और कोहली हेटर्स को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है यहाँ पे रोहित शर्मा ने। बता दिया जाए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीते कुछ महीनों पहले की है, जब रोहित शर्मा से एक प्रेस कार्यकर्ता ने सवाल पूछा था कि विराट कोहली में इस समय कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके जवाब में क्या कहा था रोहित शर्मा ने ये देखिए। रोहित शर्मा ने वहां पे कहा था, अरे विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि जिस दर्जे का वो खिलाड़ी है वो कभी भी फॉर्म में वापस आ सकता है। उसके बाद उन्होंने साफ साफ बोला वहां पे कि मैनेजमेंट का क्या टेक है यहाँ से विराट कोहली की खराब फॉर्म के ऊपर, ये देखिए क्या क्या रोहित शर्मा ने। विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्या बात कर रहे हो यार, द टीम मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दैट। तो जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा मैनेजमेंट की चिंता तो यहाँ पे किसी और एंगल में जा रही है। मैनेजमेंट को चिंता नहीं कि कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा, मैनेजमेंट को ये चिंता थी वहां पे कि हमेशा आपके लिए मुकाबला रोहित शर्मा या शिखर धवन या केएल राहुल जो भी ओपनिंग कर रहा होता है वो जिता देते हैं, और जो बची बुची कसर होती है वो वहां से विराट कोहली आगे पूरी कर देते हैं, और मिडल ऑर्डर आपका परफॉर्म ही नहीं कर पाता। जब आप विराट कोहली के थोड़े से डाउनफॉल पीरियड में मिडल ऑर्डर पे जब दारोमदार आता है उससे मैनेजमेंट खुश है, जहां मैनेजमेंट को आंकलन होता है, मैनेजमेंट को पता चलता है कि आपके मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी कितनी अच्छी फॉर्म में है और कितनी ख़राब फॉर्म में है, जो कि एक सही बात भी ज़रूर है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी भारत की टीम किसी नॉकआउट मुकाबले में क्रूशियल मुकाबला खेल रही होती है, भला वो 2019 का सेमीफाइनल हो न्यूजीलैंड के सामने वर्ल्ड कप का, या फिर वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का हो फाइनल जहां पाकिस्तान के सामने हार मिली थी हमें, तब हमारा जब टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडल ऑर्डर जो उससे पहले पूरे टूर्नामेंट में टेस्ट ही नहीं हुआ था, मिडल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। ये दौर जो विराट कोहली का खराब दौर चल रहा है उसमें से अगर एक पॉजिटिव बात निकाली जाए, वो पॉजिटिव बात यहाँ से ये आती है कि हम देख सकते हैं मिडल ऑर्डर टेस्ट किया जा रहा है और मिडल ऑर्डर मजबूत हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली तो जल्द वापस आ ही जाएंगे, जिसके ऊपर सुनील गावस्कर से लेके वीरेंद्र सहवाग से लेके बड़े बड़े दिग्गजों ने यही कहा है कि विराट कोहली को सिर्फ एक फॉर्म चाहिए जिससे वह वापस आ जाएंगे, और आज गुजरात के सामने शायद एक ऐसी फॉर्म ही आई है जिसके चलते वापसी हुई है यहाँ से किंग कोहली की फॉर्म की, जिसका हम सभी को बेसब्री से था इंतजार। आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए किंग कोहली की आज की परफॉर्मेंस को, किंग कोहली की आज की हाफ सेंचुरी को आप 10 में से कितने अंक देंगे। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट, वो भी सबसे पहले।